नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। काशीपुर में भाजपा का दो दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया मंत्र, कहा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये चिंतन बैठक। देहरादून में राज्य हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन को लेकर बैठक। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लिया भाग, हथकरघा उद्योग और बुनकरों के विकास की रूपरेखा तैयार, उत्कृष्ट कार्य कर रहे बुनकरों का किया सम्मान। प्रदेश में 15 अगस्त से मोबाइल कोर्ट का होगा शुभारंभ। उत्तराखंड हाई कोर्ट उत्तर भारत का होगा पहला राज्य। पहले चरण में गढ़वाल मंडल के 3 जिले शामिल। रुड़की में करीब 2 दर्जन पार्षद मेयर के खिलाफ लामबंद। कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पूर्व में 15 अगस्त को लेकर बुलाई गई बैठक में हुआ था विवाद। और नैनीताल में बादल फटने से भारी नुकसान, किसानों की फसलें चौपट, तो विकास कार्य हुए ठप, करोड़ों रुपए के विकास कार्य बहे पानी में। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में भाजपा का 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग के बाद सभी पूर्णकालिकों को हर विधानसभाओं में भेजा जाएगा। चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद हमने दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय किए थे उनमें 14 जिलों में 252 मंडलों और 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो चुके हैं। कुछ में कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं। विधानसभाओं में एक एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में, कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो एक हमारी टीम काम करेगी उसका प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड कार्यालय में आयोजित राज्य हथकरघा क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हथकरघा उद्योग और बुनकरों के विकास हेतु रूपरेखा तैयार की गई। मंत्री ने बुनकरों की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे बुनकरों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हथकरघा के विकास हेतु बुनकर सरकार और बैंक के बीच में समन्वय जरूरी है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में 95% हैंडलूम का उत्पादन भारत में किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बुनकरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। बीजेपी युवा जनता मोर्चा पूरे देश में युवा संकल्प यात्रा के रूप में 15 अगस्त मनाएगी। इसी तरह उत्तराखंड में भी युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे मंडल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही मैराथन समाप्त होने पर राष्ट्रगान का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस दौड़ के आयोजन में हिस्सा लेंगे और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पंद्रह अगस्त के जो हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस उपलक्ष पर पूरे देश के अंदर युवा महोत्सव बनाने जा रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्य जी ने इसकी विस्तृत जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को दी है। प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यात्रा युवा संकल्प यात्रा इस नाम से एक दौड़ हम 15 अगस्त को करने जा रहे हैं और इसको हमने प्रदेश के अंदर एक दौड़ देश के नाम ये नाम दिया है। पूरे कार्यक्रम को अमृत महोत्सव का नाम दिया है। एक तरफ जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। द्वारहाट में पूर्व कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को भंग करेगी और तीर्थ पुरोहितों को बोर्ड से आजाद करेगी। आपको बता दें कि पुरोहितों की मांग है कि बोर्ड को भंग किया जाए, लेकिन भाजपा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने खून से लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी भेजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक खत में, खून से भरे खत में लिख के दिया है कि बोर्ड को जो है भंग करना चाहिए, तो उसके संज्ञान में लेके मुख्यमंत्री जी ने जो है इसमें स्टे किया है, ना कि बोर्ड को भंग किया है। यदि हम ये हमारे अभी 6 दिन पूर्व जो थी हमारी मीटिंग देहरादून में हुई थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बड़े नेता हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, अन्य उसमें नेता भी शामिल थे, जिसमें पुरजोर से ये कहा गया कि यदि कांग्रेस की सरकार 2022 में आएगी तो हम इस बोर्ड को भंग कर देंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 15 अगस्त से मोबाइल कोर्ट शुरू करने जा रहा है। इसके प्रथम चरण में गढ़वाल मंडल के 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और कुमायुन मंडल के 2 जिले पिथौरागढ़ और चंपावत शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तर भारत का पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मोबाइल कोर्ट उपलब्ध करा रहा है। मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान 15 अगस्त को फ्लैग दिखाकर करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उत्तराखंड के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। प्रदेश में 8 से 17 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट और उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, लेकिन नारसन बॉर्डर पर यात्रियों को रोकने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों को हटा लिया गया है। ऐसे में यात्री बिना कोविड जांच के ही प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उत्तराखंड को मुसीबत में डाल सकती है। जो गाइडलाइन थी हमारी कि जो अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको अपनी आरटीपीसीआर की 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट लानी है, जिसकी एंट्री पोर्टल पर होनी चाहिए, और यदि नहीं होती है तो फिर हम उसका एंटीजन टेस्ट तुरंत वहाँ कराएंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि इसको अंदर प्रवेश देना कि नहीं। तो अभी हमारी जानकारी में भी यही कि वही पुरानी गाइडलाइन अभी चल रही है, कोई नए दिशा निर्देश अभी हम लोग को प्राप्त नहीं हुए हैं इस विषय में, तो अभी तो हमको यही है कि हम उसी के हिसाब से अनुसार कार्य करेंगे। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने शिरकत की।
इस अभियान के तहत कोरोना की तीसरी लहर से जागरूक करने के लिए गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसमें युवाओं को विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। बीमारी है, प्राण लेने वाली बीमारी है, पूरे विश्व के अंदर जो फैली है, इससे कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएं। और जागरूकता अभियान हमारे लोक कलाओं के साथ, हमारे साथ, हमारे लोग की गीतों के साथ हो, क्योंकि हमारा जो कुमाऊँ है, वह कुमाऊँ में हमारा गढ़वाल है, उत्तराखंड है, तो इसमें लोग वहाँ की जो स्थानीय जो भाषा है, जो वहाँ की बोली है, जो लोकगीत हैं, जो लोक कलाएँ हैं, उनके माध्यम से अगर हम कला के माध्यम से उनको जागरूक करेंगे तो अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कलाकार यहाँ पर सारे कलाकार बुलाए हैं और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री उनके तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि कोरोना से तीसरी लहर में हम कैसे बच सकते हैं, और तीसरी लहर से बचने का उपाय है कि हम मास्क पहने, हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिले, छींके थूके नहीं, और दो गज की दूरी जरूरी, मास्क जरूरी है, दो गज की दूरी रखें। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम हमारे सरकार ने अवेयरनेस के लिए करा है। और स्वच्छ भारत अभियान को इससे जोड़ते हुए कि कोरोना के बचाव में सफाई का बड़ा महत्व है और इसमें जो वैक्सीनेशन का महत्व है, इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व है और साथ साथ हैंड सैनिटाइजेशन, इसको लेकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वहाँ गीत संगीत के माध्यम से हमारे रजिस्टर्ड कलाकार लोगों को जागृत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बाद यमकेश्वर के विधायक ऋतु खंडूरी भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का खुलकर गुणगान किया। दरअसल यमकेश्वर के विधायक ऋतु खंडूरी स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंची। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए दावा किया कि यमकेश्वर क्षेत्र में चौमुखी विकास की धारा उनके कार्यकाल में बही है, जिसका उन्होंने लिखित में ब्यौरा भी उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखला कर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। विहीन पार्टी है, मुद्दा विहीन लोग हैं, तो जब कोई मुद्दे ही नहीं है, किसी बात की बात नहीं हो सकती है, तो ये ओछी राजनीति की गई है, गुंडागर्दी की गई है, और मुझे अत्यंत दुख है कि राजनीति इसका स्तर इतना गिरा दिया गया है। अब खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से, जहां ओबीसी विधेयक पास होने पर पूर्वोत्तर रेलवे के सदस्य और देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाजपा नेता विकास शर्मा के कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की ओर से मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की गई। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय संगठन का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़े वर्ग की भावनाओं का सम्मान किया है। खबर सितारगंज से, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 13.81 ग्राम स्मैक, अभय तमंचा और कारतूस सहित एक को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम उमेश सिंह बताया। वहीं बरामदगी के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली सितारगंज में आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। नशे के विरुद्ध और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, तो जिसके तहत रात को हम लोग चौकी सिडकुल से हम लोग रात को जो है गश्त पे निकले थे, तो वहाँ पे जब जैसे कल्याणपुर पे जो पुलिस चौकी है पुरानी, वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे एक आदमी हमें संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, तो जो हमें देख के पीछे की तरफ छुपने लगा, तो हमने उसका पीछा किया खेतों की तरफ, खेतों में जाके उसको पकड़ा, तो फिर अचानक जो है हाथ पांव चलाने लगा और उसकी जो तलाशी ली उसकी, तो उसकी ये लोअर से एक अदद तमंचा 315 बोर का, और जिसमें जो चैम्बर में एक राउंड घुसा हुआ, एक अदद राउंड 315 बोर का घुसा हुआ बरामद हुआ। फिर हमने उसकी जामा तलाशी ली सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसके बाद जो है उसके पास एक पुड़िया बरामद हुई, जिसमें जो है पारदर्शी पुड़िया थी, जिसको हमने देखा तो वो स्मैक थी, तो उसका वजन करने पे 13.181 ग्राम, 13.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई। नैनीताल के विकास खंड कोटाबाग के नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में दैवीय आपदा के कारण मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कई हजारों का नुकसान ग्रामीणों को उठाना पड़ा, उनके फल फूल सब्जियां खराब हो गईं। स्थानीय निवासी बालम सिंह कपकोटी ने भी बताया कि बारिश होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इनामी बदमाश जमाल उर्फ शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। यह अपराधी काफी समय से वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई थानों में लूट, डकैती और हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इन मामलों में अभियुक्त की काफी समय से तलाश कर रही थी। जो है थाना बादराबाद में जो पंजीकृत अपराध है 197/21 तो डकैती का मुकदमा था, उसमें एक मुख्य अभियुक्त जमाल उर्फ शमी पुत्र रफीक ये वांछित चल रहा था। अभी हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का आदेश के अनुसार जो है इस महीने में हम ऑपरेशन प्रेम ड्राइव चला रहा है। इसमें जो है जो भी हमारा जनपद से संबंधित वांछित अपराधी इनामी अपराधी के ऊपर हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें थाना बुगा वाला का जो है अच्छा सफलता मिली। उसमें जो है आज हमने उनको गिरफ्तार किया है, जो वांछित अभी इनामी अपराधी है उनका हमने गिरफ्तार करके जो है उनको माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए भेज रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में उषा ब्रेको कंपनी द्वारा संचालित मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीने से बंद है, जिसे लेकर हरिद्वार के व्यापारी सड़कों पर उतरे और सांकेतिक रूप से धरने पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों ने जनहित में जल्द से जल्द मनसा देवी उड़न खटोले को चलाए जाने की मांग की। ट्रॉली बंद है, ट्रॉली बंद होने से जितनी दुकानें हैं सारी आप देखिए सारी बंद पड़ी हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और अपर रोड तक जितना भी है सारा व्यापार प्रभावित होता है इस ट्रॉली की वजह से। इस ट्रॉली को आपने बंद कर दिया, इस ट्रॉली से कितनी आप देखिए ना कितना नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान, वेट का नुकसान, गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान, जो ट्रॉली जो इनकम आएगी इनकम टैक्स का नुकसान, नगर पालिका को नुकसान। आपने बंद कर दिया इसको, बंद करने का क्या लाभ है आप बताइए। एक तरफ तो हमारे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब करोड़ों रुपए उत्तराखंड के विकास के लिए लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब मैं सिंगल विंडो सिस्टम करूंगा, आप उद्योग लगाइए उत्तराखंड में आगे। उद्योग कैसे लगाएगा आदमी जब चलते उद्योगों को आपने बंद कर दिया। बिल्कुल चौपट है हरिद्वार के अंदर, गली के अंदर बिल्कुल व्यापार चौपट है इस कंपनी के बंद होने से, इस रोपे के बंद होने से। एक तरफ तो सरकार उद्योग लगाने की बात करती है, फैक्ट्री लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ इसको बंद पड़ा है, इसको संचालन करने की मतलब अनुमति प्रदान नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब प्रदेश के हर निवासी ने रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मन में सपने संजोए हुए थे। बात करें रुद्रप्रयाग की तो यहां 20 साल से लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन से लेकर नेता ग्रामीण जनता को केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने 2010 में कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक ये सभी घोषणा धरातल पर नजर नहीं आ रही। लोक निर्माण और वन विभाग की खींचतान में पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी नहीं हो पाई। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का यहां पर विस्तार ही नहीं हुआ है। लेकिन जो है दुखी होने का भी कोई फायदा नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। कम से कम 10-11 साल हो गए हैं, आज आगे जो है थोड़ा बहुत आगे तक जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन अब वन विभाग वालों ने जो है पंगा कर रखा है। अब जो है पहले कहा जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन भी दी तो वन विभाग वालों को पता नहीं क्या आपत्ति है, अब उन्होंने जो है सारा जो है काम जो है रोक रखा है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे जो फजलिस रोड की घोषणा कराई थी, मगर आज तक ये खाली बोलते हाँ होता है, होगा होगा होगा, आश्वासन देते देते जो है 11 साल बीत गए। और माननीय विधायक जी हमारे जो है माननीय पहले कन्नर जी थे उनको भी हमने रोड की मांग की, फिर भी माननीय बीच में जो हरक शेरावत जी आए उनको भी रोड की मांग दी, फिर वर्तमान जो हमारे विधायक है माननीय भरत चौधरी जी उनका भी हमने सबसे पहले शासन श्यामा भरदार जो स्वागत करी इसी सड़क की मांग दी थी, मगर जो है न सुनने के कारण जो आते जो हम लोग जो बोलते बोलते थक गए, मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उधम सिंह नगर के किच्छा में सड़क निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ने से गुस्साए लोगों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 50 सालों से पिछड़ी जाति के लोग चंदन नगर क्षेत्र में रह रहे हैं, परंतु सुविधाओं का अभाव होने के कारण स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को गुमराह कर विधायक राजेश शुक्ला ने सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही रुकवा दिया, जबकि नगर पालिका द्वारा जांच करने के बाद ही सड़क निर्माण का बजट पास किया गया था। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण में लाखों रुपए खर्च किए जाने के बाद
विधायक ने निर्माण को बीच में ही रुकवा दिया है। फिलहाल एवन उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।